आज मैं यहाँ मौजूद हूँ यहाँ पे गाय की रक्षा के लिए। एक कोई फिल्म बनने जा रही है और बहुत सारे कलाकार यहाँ पे आए हुए हैं जो कोई ऐसी एक मैसेज फिल्म बनाने की तैयारी में हैं, जिससे कि गौ हत्या पे ज़्यादा से ज़्यादा रोक लगाई जा सके और हमारी गाय माता जो है सुरक्षित रहे। तो चलो क्यों ना मैं इनसे जानकारी लेता हूँ। सर आपका नाम? मेरा नाम राजेश तंवर है। आज यहाँ पे जो फिल्म बनने जा रही है आप आए हुए हैं, तो ये किस पर आधारित है? ये गाय के ऊपर आधारित एक फिल्म है और जिसको हमारे द्वारा लिखा गया है। मैं और मेरे मित्र राम श्याम हसीन और एक मेरे मित्र हैं संजय गिरी जी, हम तीनों ने मिलकर इस फिल्म को लिखा है। आपने जो स्टोरी लिखी है, क्या इसको अगर जनता का ज्यादा से ज्यादा देखेगी तो आपको उम्मीद है कि वो गाय माता की ज्यादा से ज्यादा रक्षा करेगी? जी हाँ बिल्कुल, इसमें एक मैसेज जाता है कि गाय को आप बेचे ना, बेचने के बाद वो गलत हाथों में जाती है और उसका गलत यूज किया जाता है। आपका नाम? मैं राम श्याम हसीन। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से हूँ मैं। क्या है इस फिल्म में आपका कैसे? इसमें हम कहानी में भी हमारा योगदान है, हमने कहानी भी लिखी इसकी और बाकी ये जो आज जो फिल्म बनने जा रही है इसमें भी कुछ हमारा रोल और काम है। आप जो कैरेक्टर कर रहे हैं वो किस प्रकार का कैरेक्टर है आपका? ये कैरेक्टर ये है कि जैसे उसकी गाय होती है, गाय का मालिक है वो, और बट वो परेशान है क्योंकि गाय दूध नहीं देती है, तो वो उसको बेचने जाता है और ताकि उसके पैसे से और कुछ और पैसे मिला करके एक नई गाय लेके आई ली जाए। इसलिए ये इस तरह का रोल है वो फिल्म में। तो आपकी जो स्क्रिप्ट है इससे अगर जनता ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म को देखेगी तो सुधार होगा? हाँ बिल्कुल सुधार होगा और लोगों को सुधार करना भी चाहिए क्योंकि गाय, जहाँ तक गाय का विषय है, बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए और इसी के चलते हमने इस तरह से ये कहानी हमने तैयार की। आपका नाम? हाँ जी मेरा नाम श्यामलाल है, श्यामलाल मीणा। कहाँ से हैं? धनबाद से। क्या कहना चाहेंगे गौ माता को? सर मैं इतना कहना चाहूँगा, गाय हमारी ना पीछे पूर्वजों से ना हमारी गौ माता रही है, ठीक है? तो इसका ना सुरक्षा, इसका बढ़िया ना जो करना चाहे इंसान वो कर सकता है, लेकिन लठ मारने, भगाना, घर से भगानी, वो गंदी बातें हैं। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम सुमित है। क्या है इस फिल्म कैसा क्या है आपका इस फिल्म में? मैं इसमें सोनू का रोल कर रहा हूँ और मैं अपने दोस्त को समझाता हूँ कि तुम इस गाय को मत बेचो, ये तुम्हारी माता है, इसने तुम्हें जीवन भर सुख दिया है, तुम्हें कभी दुख नहीं दिया। आपका नाम? संदीप सिंह। कहाँ से हैं? बरेली से। क्या कैरेक्टर है? जी मेरा रामनाथ। क्या कहना चाहेंगे यहाँ गौ माता के बारे में? गौ माता हमारी माता है, इसे ना काटना चाहिए ना बेचना चाहिए। जी आपका नाम? महेंद्र पाल राजपूत, डिस्ट्रिक्ट बरेली, तहसील आंवला से। क्या कैरेक्टर है फिल्म में आपका? कैरेक्टर तो कोई है नहीं, खास नहीं, फिर भी गाय की जो रक्षा होती है उसमें हमारा योग है समझाने का कि गाय के लिए कोई बेचे ना। मेरा नाम अमन कुमार सिंह है, मैं मेरठ से हूँ। कुछ कहना चाहेंगे गाय के सुधार के बारे में? गाय के सुधार में बस यही है कि गाय जो है, गाय गौ माता होती हैं, गाय की सेवा करनी चाहिए, जितने जितना अच्छा हो सके उतना उनकी सेवा करनी चाहिए। आप फिल्म के प्रोड्यूसर हैं तो जानना चाहूँगा, ये जो फिल्म आजकल लोग देखा जाए तो एंटरटेनमेंट में बहुत सारी फिल्म बनाते हैं बिजनेस के लिए, तो आपने ये इस प्रकार की एक धार्मिक फिल्म बनाने की क्यों सोचा? देखिए अधिकतर पिक्चर बनती है कि कोई सेक्स पे आधारित होती है, कोई कॉमेडी पे, कोई किसी चीज़ पे। मैंने गाय माता की पिक्चर इसलिए बनाने की सोची क्योंकि हमारे देश में एक कृषि प्रधान देश है, इसमें यहाँ पे गाय की बहुत मान्यता है और अधिकतर लोग क्या होता है कि गाय बूढ़ी हो जाती है, वो दूध देने के लायक नहीं होती तो उसे गलत हाथों में भेज दिया जाता है। मैंने उसके बचाव के लिए ये पिक्चर बनाने को सोचा है। फिल्म से हमारी जनता को क्या मैसेज मिलेगा? ये मैसेज मिलेगा कि ज्यादा से ज्यादा गाय को बचाओ, अगर गाय नहीं रहेंगी तो दूध नहीं रहेगा, दूध नहीं रहेगा तो लोग नहीं रहेंगे। कब तक दर्शक देख पाएंगे इस फिल्म को? जहाँ तक है कल शाम तक यूट्यूब पे ये पिक्चर डल जाएगी। और जैसे चैनल के बारे में और ये सब इधर उधर प्रमोशन के बारे में, इसको आप फिल्म फेस्टिवल के लिए आपने क्या सोचा है? अभी देखिए पिक्चर बनने के बाद पता चलेगा। तो चलो अच्छा नाश्ता। हाँ